दोस्तों आप लोग को याद होगा जब जियो टेलीकम्युनिकेशन आया था इंडस्ट्री में तो बाकी जितने भी टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स थे उन लोगों की बैंड बज गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ऑफर्स, ऐसे फीचर्स या फिर इतना अच्छा नेटवर्क कवरेज और बजट फ्रेंडली, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया था और उसके वजह से सक्सेस भी हुआ। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ होने वाला है टेलीविजन की इंडस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, एक मेड इन इंडिया ब्रांड, मेड इन इंडिया कंपनी आ रही है टेलीविजन की इंडस्ट्री में, और जो उनकी टीवी लॉन्च होने वाली बहुत ही जल्दी। तो वो ब्रांड कौन सा है, कौन कौन से सीरीज में आ रहा है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और बहुत ही यूनिक, कमाल, धमाल और ऑसम फीचर्स के साथ ये टीवी आ रही है, तो वीडियो को मिस मत करना, स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें सबसे पहले इस ब्रांड के बारे में कि जो इतने यूनिक और ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ टीवी लॉन्च करने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उस ब्रांड का नाम है राइडेक्स। राइडेक्स ब्रांड का नाम मैंने भी पहली बार सुना है, आपने भी शायद पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि कुछ ही साल पहले ये कंपनी शुरू हुई है। ये प्योर इंडियन कंपनी है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाती है, और इसकी जितनी भी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है सब कुछ इंडिया में ही होती है। और इनफैक्ट इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भी इंडिया में ही लगाए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों ये बातें होगी इस ब्रांड के बारे में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हो, यहाँ पे बात करते हैं उनके टीवी सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे उनके पास HD, फुल HD और 4K क्यूलेट सीरीज है। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ 4K क्यूलेट के बारे में, बाकी जो सीरीज है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 4K क्यूलेट मैं यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया इस वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा इसके जो यूनिक फीचर्स है, मुझे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे बहुत जबरदस्त लगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वीडियो आपको एंड में आप खत्म होते होते आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले बात करते 4K QLED में आपको कौन कौन से वेरिएंट्स देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल 43 इंच का है, 50, 55 और 65, चार वेरिएंट्स आपको देखने मिल जाएंगे इस 4K QLED सीरीज में। सीरीज का नाम है आर्या 1। और दोस्तों अब यहाँ पे बात करें इन टीवी के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे चार वेरिएंट्स है, तो यहाँ पे जो 43 इंच वाला वेरिएंट है वो 4K रेडी टीवी है, बाकी जितने वेरिएंट्स होते हैं 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आने वाले हैं। और अब यहाँ पे बात करें इन टीवी के पैनल के बारे में, तो ये चार के चारों ही टीवी में आपको QLED पैनल देखने मिल जाएगा। क्वांटम डॉट डिस्प्ले है, क्वांटम डॉट फिल्टर है, जिसके थ्रू कलर और कंट्रास्ट रेशियो बहुत ही जबरदस्त होता है, मतलब क्यूलेट पैनल की बात ही कुछ अलग होती है, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी तो होती है। इसी के साथ ही साथ आपको डायरेक्ट LED बैकलाइट सोर्स देखने मिल जाएगा इस टीवी में। अब बात करें यहां पे कंट्रास्ट रेशियो के बारे में, तो यहां पे आपको डायनामिक कंट्रास्ट रेशियो दिया गया है। और बात करें टीवी के ब्राइटनेस निट्स के बारे में, तो इसकी ब्राइटनेस निट्स टीवी के वेरिएंट्स के हिसाब से अलग अलग है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो उनकी वैल्यू क्या है। तो बेसिकली इसकी जो ब्राइटनेस निट्स है वो शुरू होती है 380 से और आती है 600 तक। बात करें टीवी के पिक्चर इंजन के बारे में, तो यहाँ पे यूज किया जा रहा है इमेज मैजिक V3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक्चर प्रोसेसर। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी बनाई गई है राइडेक्स की तरफ से, और यहाँ पे काफी इनहांस करता है पिक्चर क्वालिटी को, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इस टेक्नोलॉजी की। इसी के साथ ही अब यहाँ पे बात करें HDR कैपेबिलिटीज के बारे में, तो इस टीवी में यूज किया जा रहा है HDR, HDR10, HLD, Dolby Vision, सभी का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी बात होगी कि यहाँ पे आपको सारी की सारी HDR कैपेबिलिटीज भी मिल रही है। बात करें टीवी के स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया है, चार अलग अलग पिक्चर मोड्स भी मिल जाते हैं इसी टीवी में। तो ये बातें होगी इसकी पिक्चर क्वालिटी और डिस्प्ले के बारे में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते और बात करते हैं ऑडियो आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे लगाया गया 20W का साउंड आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 43 इंच के टीवी में, बाकी जितने भी वेरिएंट्स बसते हैं मतलब 50, 55 और 65 में आपको देखने मिल जाएगा 32W का साउंड आउटपुट, जो कि एक बहुत अच्छी बात हो कि बहुत ही कम ब्रांड्स आपको इतना साउंड आउटपुट देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट तो मिलता ही है, इसी के साथ ही DTH सराउंड का भी सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होने वाली है इस टीवी की। और दोस्तों बात करें टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये टीवी आती है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, 9Pi वाला वर्जन दिया गया है। और बात करें इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, जो बहुत ही यूनिक लगी, यहाँ पे आपको 4GB का रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज, इसी के साथ ही साथ 64GB का भी इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। बेसिकली जो 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रही है वो एक बेसिक मॉडल है, और जो 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रही है वो एक एलाइट मॉडल है। और अगर इंटरनल स्टोरेज और रैम की बात करें, तो यहाँ पे मतलब आपको ये जो इंटरनल स्टोरेज और रैम मिल रहा है ये एक मोबाइल फोन में मिलता है, और आपको ये
रैडएक्स ब्रांड आपको दे रहा है टीवी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला, बहुत सारे गेम्स और एप्स डाउनलोड करोगे और फुल इंजॉय करोगे। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करें टीवी के हार्ट के बारे में, जो मेन प्रोसेसिंग होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीपीयू और जीपीयू के बारे में। तो यहाँ पे लगाया गया है सीपीयू क्वाड कोर कॉर्टेक्स A55 का प्रोसेसर, और जो जीपीयू दिया गया है माली G31 MP2 दिया गया है। ये बातें होगी सीपीयू और जीपीयू के बारे में, जो मतलब ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज यूनिक कर रहा है राइडेक्स ब्रांड कि भाई यहाँ पे आपको एक्टिव कूलिंग सिस्टम मिलती है। एक्टिव कूलिंग सिस्टम से होता है कि यहाँ पे जो भी हीट जनरेट होगी उसको कूल रखेगा और आपकी जो प्रोसेसर है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा इस एक्टिव कूलिंग सिस्टम के थ्रू। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है जो मदरबोर्ड को लेके है। ये एक यूनिक फीचर है राइडेक्स की तरफ से, अगेन मैं कहना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं फेल प्रूफ स्विच बोर्ड। अब ये है क्या? बेसिकली अगर समझ लो आपका मदरबोर्ड खराब हो जाता है, क्योंकि बाकी सब टीवी में आपको सिंगल मदरबोर्ड देखने मिलेगा, यहाँ पे जो मदरबोर्ड है वो स्प्लिट किया गया है। तो अगर एक खराब हो जाता है तो आप दूसरे पे काम करके अपना यूजेस करते रहिए, और जो जो खराब हुआ है उसको एक सस्ते या फिर बोलते ना एक बजट फ्रेंडली प्राइस से आप उसको ठीक करवा सकते हो। तो ये काम करती है ये यूनिक फीचर। और दोस्तों बात करें टीवी की कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। HDMI पोर्ट की बात करें तो उसमें एक 2.0 वाला है, एक 2.1 वाला है। 2.1 वाला है मतलब बहुत अच्छी बात है, जितने भी PlayStation और Xbox आ रहे सब कुछ 2.1 HDMI पोर्ट के साथ आ रहे। इसी के साथ ही साथ आपको आर्क पोर्ट भी देखने मिल जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि 55 इंच वाला जो वेरिएंट है और 65 इंच वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं। और बात करें अदर पोर्ट्स के बारे में, तो आपको SPDIF का पोर्ट देखने मिल जाएगा, इथरनेट का पोर्ट देखने मिल जाएगा, AV पोर्ट देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ टीवी में ब्लूटूथ 4.0 दिया गया है, डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फुल एंजॉय करोगे, जितने भी ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हो कोई भी आपको इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टीवी में डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है। और दोस्तों आप यहाँ पे बात करें टीवी के डिजाइन के बारे में, तो ये टीवी आती है बहुत ही थिन बेजल डिजाइन के साथ, एल्यूमिनियम की बॉडी है, आपको टेबल टॉप स्टैंड भी एल्यूमिनियम के देखने मिल जाएंगे, और जो टीवी का वॉल माउंट है वो भी एल्यूमिनियम का तो है ही है। इसी के साथ जो अलग स्टाइल में मतलब वो वेसा माउंट उसको बोलते हैं, जिसमें आपको आप टीवी को आगे करके आराम से जो भी पोर्ट्स लगाने हैं, जो भी वायर लगाना है अच्छे से लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ पे बहुत ही कम ब्रांड आपको ऐसा वाला वॉल माउंट देते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में, जो है स्मार्ट फीचर्स, तो इस टीवी में आपको वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, इसी के साथ ही साथ आपको HD पॉपअप कैमरा मिल जाता है, फुल HD पॉपअप कैमरा मिल जाता है, और वो अटैच भी कर सकते हो डिटैच भी कर सकते हो। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मतलब आप कैमरे का एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी होता है कि भाई कुछ कभी कभी प्राइवेसी लीक भी हो सकती है अगर कुछ हैक विक होता है। तो यहाँ पे उस चीजों का ध्यान रखा है इस ब्रांड ने, और आपके लिए डिटैचेबल कैमरा भी दिया गया है। इसी के साथ ही साथ आपको टीवी में बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, जिसके थ्रू मोबाइल का कंटेंट टीवी में देख सकते हो। एडिशनली आप यहाँ पे बात करें और कुछ खास और यूनिक फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको लेजी लैप बोर्ड का फीचर मिल जाता है। ये है क्या? मतलब आप लोग भी शायद पहली बार ही सुने हो, मैंने भी पहली बार ही सुना है। ये है क्या कि ये आपको बॉक्स कंटेंट में आपको मिलता है एक ब्लूटूथ अनेबल कीबोर्ड और ब्लूटूथ अनेबल माउस, जिसको आप कनेक्ट करके टीवी में पूरा कंप्यूटर की तरह ऑपरेट कर सकते हो, सब कुछ सर्फिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और एडिशनली एक और खास बात इस टीवी की कि यहाँ पे आपको फ्यूचर अपग्रेड करना है, आप सब समझ लो आपको टीवी में इंटरनल स्टोरेज और रैम बढ़ाना है तो आप कर सकते हो। आपको खाली कॉन्टैक्ट करना है राइडेक्स टीम को, उनकी सर्विस टीम आएगी, आपको अच्छे से सब कुछ अपग्रेड करके देगी। कुछ हार्डवेयर अपग्रेड कराना है, मतलब CPU फिर या फिर GPU कुछ अपग्रेड कराना है, वो चीज़ भी पॉसिबल है, जो एक बहुत ही यूनिक फीचर बनाती है इस टीवी को। और एक और यूनिक फीचर जो है फ्यूज्ड पावर कॉर्ड, ये भी आपने शायद से पहली बार ही सुना होगा। मतलब ये होता क्या है कि समझ लो आप टीवी यूज कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज अगर हाई हो जाता है तो आपकी टीवी पे उसका असर देखने मिलेगा, या फिर कुछ टीवी डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ये चीज हैंडल करेगी और आपकी टीवी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी हाई वोल्टेज या फिर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। तो यही खास फीचर थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको भी पसंद आए रहेंगे ये सारे यूनिक फीचर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टीवी मिल रही है उसमें टीवी में जितनी सारी चीजें आप मोबाइल में कर पा रहे हो वो सब कुछ आप टेलीविजन में कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे फीचर्स लेके तो आ ही रहा है। अब यहाँ पे बात करें टीवी के वारंटी के बारे में, तो आपको टीवी में 5 साल की वारंटी मिल जाती है पैनल पे, 2 साल की वारंटी मिल जाती है बाकी अदर कंपोनेंट्स पे। तो यहाँ पे वारंटी में भी कोई भी कंजूसी नहीं की गई, आपको 5 साल तक तो अच्छी खासी वारंटी
गारंटी तो मिल रही है, और मेन टीवी में होता है पैनल, उसका डिस्प्ले अगर वो खराब हो जाए तो भाई टीवी की तो बैंड बच जाती है। तो यहाँ पे आपको 5 साल तक तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, तो लॉन्गर रन में भी ये टीवी आपके साथ ही रहने वाली है। अब जब मैं वारंटी की बात करूँ तो सर्विस सेंटर और उसके सर्विस को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस टीवी में रिमोट डेस्कटॉप सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब टीवी में आपको रिमोटली सर्विस भी दी जाएगी। काफी सर्विस सेंटर इन्होंने जितने मेजर एरियाज है उनमें आपको सर्विस सेंटर इसके देखने मिलेंगे, ऑथराइज सर्विस वाले मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो आपको टीवी लेने के बाद भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। तो सर्विसिंग के मामले में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यही सारी डिटेल्स थी इस टीवी के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। और क्या आपके थॉट्स हैं मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर मुझे इसको समराइज करना रहा इस टीवी को, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आपको क्यूलेट पैनल मिल रहा है, क्वांटम डॉट डिस्प्ले मिल रहा है, तो पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी होने वाली है। इसी के साथ ही अच्छा साउंड आउटपुट मिल रहा है, इतनी यूनिक फीचर्स के साथ टीवी आ रही है, मतलब आप जो भी चीज मोबाइल में कर पा रहे हो ये सारी चीजें आप टीवी में कर पाओगे। और एक और चीज मैं कहना भूल गया कि यहाँ पे जो गूगल प्ले स्टोर है यहाँ पे आपको फुल वर्जन मिलता है, मतलब आप जितने एप्स मोबाइल में देख रहे हो वो सारे के सारे लिस्टेड होंगे आपके टेलीविजन के गूगल प्ले स्टोर में। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ ही साथ मेरा रिकमेंडेशन होगा, ये जैसे भी टीवी लॉन्च होती है, ये लॉन्च होने की जब मैं बात करूं तो भाई सवाल उठता है कब लॉन्च हो रही है, तो ये टीवी लॉन्च होगी बहुत ही जल्दी और धमाका मचाने वाली है टेलीविजन की इंडस्ट्री में। जो लोग वेट कर रहे थे हाइसेंस और बाकी अलग ब्रांड्स की टीवी का, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने टीवी नहीं ली है और आप वेट कर रहे हो तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, मतलब मैं ज्यादा नहीं, तो मुझे लगता है कि शायद ये 2 या 3 हफ्ते में ये टीवी लॉन्च हो जाएगी। मैं आपको कहूंगा कि आपका वेट करना वर्थ होगा, इस चीज की तो मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि बहुत ही जबरदस्त और यूनिक फीचर के साथ तो आ ही रही है, तो आपको वेट करना चाहिए। एडिशनली अब बात करें इस टीवी के प्राइस के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब एक क्यूलेट टीवी कितनी की हो सकती है, तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा एक बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस के साथ आ रही है। इस हमारे इंडियन कस्टमर का बहुत ही ध्यान रखा गया है कि भाई उनको ज़्यादा पैसे न खर्चे करने पड़े और अच्छा बोलते हैं ना प्राइस में इतनी ज़बरदस्त उनको टीवी मिले, तो यहाँ पे ध्यान तो दिया गया ही है। इसी के साथ ही साथ आप गेस करो कि भाई इस टीवी का प्राइस क्या होगा। मैं आपको खाली एक हिंट दूंगा कि इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है बहुत ही बजट फ्रेंडली होने वाली। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या मानना है, और जो आपको प्राइस लगे क्या हो सकती है वो भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यही सारी बातें थी। और एक और चीज़ अगर भूल ना रहा हूं तो उसके पहले मैं बता दूं कि यहां पे इस टीवी में 2 वर्जन है, जैसे मैंने बताया एक इलाइट और बेसिक मॉडल। दोनों में फर्क यही है कि आपको बोलते हैं ना 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा बेसिक वाले में, इलाइट वाले में मिलेगा आपको 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, और इलाइट वाले में आपको बोलते हैं ना HD पॉपअप कैमरा, फुल HD पॉपअप कैमरा मिल जाता है, बेसिक वाले में नहीं मिलेगा। तो यही कुछ डिफरेंस है इलाइट और बेसिक मॉडल में, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो कोई भी ढंग से अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, भाई बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। और इसी के साथ ही साथ हम आपसे रहेंगे अलविदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया करिए सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें कि वहाँ पे काफ़ी कुछ अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे भी डालते रहता हूँ, और आपको कुछ सवाल सुझाव तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को हेल्प भी कर रहा हूँ उनकी बाइंग लिंक्स या फिर बोलते ना कुछ बोलते ना टेलीविजन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी के लिए, तो वहाँ पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।